हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अ न्यू चैप्टर फॉर यू। द चैप्टर नेम इज लेटर राइटिंग। इन दिस चैप्टर टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ सैंपल ऑफ अ लेटर, हाउ यू विल राइट अ लेटर। हियर यू कैन सी सैम्पल लेटर टू द एडिटर ऑफ अ वेल नोन न्यूज़ पेपर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट थॉटलेस हॉन्किंग। यू सी, एट फर्स्ट यू हैव टू राइट योर ओन एड्रेस लाइक दैट। हियर इज 6 गुरुदेव रोड, पार्क सर्कस, कोलकाता 70019। आफ्टर दैट यू विल मिस अ लाइन, then you will write date, and then once again you will miss a line, and then you will write to the all the matter to whom you are going to address like that. Here is the editor, the telegraph, 6 Praful Sarkar Street, Kolkata 70001। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर एक लाइन मिस करेंगे, और फिर डेट लिखेंगे। डेट के बाद फिर आप एक लाइन मिस करेंगे, और फिर जिसको लेटर लिख रहे हैं आप उसको एड्रेस करेंगे। एड्रेस उसका लिखने के बाद फिर लास्ट में एक लाइन और छोड़ेंगे, और फिर आप लिखेंगे यहाँ पे सैल्यूटेशन देंगे। सैल्यूटेशन में सर, मैडम या मैम, मैम कोई भी एक सैल्यूटेशन होना चाहिए। लाइक दैट हियर इन दिस लेटर यू कैन सी द सैल्यूटेशन वर्ड इज सर। ओके सर, नाउ यू विल वंस अगेन मिस अ लाइन एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग। नॉइज पॉल्यूशन इज ऑन द राइज इन आवर सिटी। द ड्राइवर्स ऑफ पब्लिक व्हीकल डू नॉट थिंक twice before honking. Even the private vehicles follow suit. Lack of civic sense and awareness on the part of the drivers and gross negligence of the traffic police are responsible for this menace. School on the main roads, senior citizens and patients in hospitals and nursing homes are the silent sufferer. This noise pollution even has an adverse effect on the breeding and migration of animals and birds. The students of a few leading schools have taken the initiative to curb noise pollution. However, the brazen attitude of certain drivers is a major hindrance to them. The concerned authorities must rise to the occasion and alleviate this problem at the earliest, so as to provide a better environment to all concerned. Perhaps a stiff fine for such thoughtlessness will help redress this issue. तो ये पूरे मैटर में आप उस मैटर को अपने लिखा, जो मैटर था स्पेशली वॉज ऑन नॉइज पॉल्यूशन। How the people were suffering from noise pollution, how the drivers of public vehicles are making noise in the streets, and also private vehicles follow them. The sick people are suffering so much, students are unable to read, to revise their chapter, and old men, sick people, or especially in trouble with the effect of this great cause.
सो ये सारा चीज़ लिख करके और लास्ट में आपने आप देखिए द लास्ट में जो है द कंसर्न्ड अथॉरिटीज मस्ट राइज टू द ओकेजन एंड एलिविएट दिस प्रॉब्लम टू द अर्लीस्ट सो वाइड प्रोवाइड टू बेटर एनवायरमेंट टू ऑल कंसर्न। ये सब लिखने का लास्ट में तात्पर्य रहा, इसको कंक्लूज किया गया लेटर को कंक्लूज करने काम किया गया और फाइनली लेटर को आप थैंकिंग यू लिख कर वहाँ पे छोड़ेंगे, एक लाइन मिस करेंगे फिर थैंकिंग यू लिखेंगे, फिर एक लाइन आप मिस करेंगे और नीचे योर्स फेथफुली या फिर योर्स ट्रूवली लिखेंगे और फिर आप अपना खुद का एड्रेस वहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से आप लेटर को कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज़ अ सैम्पल लेटर, दिस इज़ अ प्रोसेस टू राइट अ लेटर टू द एडिटर आर टू एनी पर्सन। ओके स्टूडेंट्स, यू विल सी इट, यू विल ट्राई इट एंड एट योर होम इन दिस फ्री पीरियड यू विल ट्राई टू राइट अ लेटर दैट इज गिवन इन योर चैप्टर। यू विल राइट इट एंड आफ्टर दैट if everything is well definitely you will try to write another letter that is given in your practice set. If you get any problem on the next day I will try to solve your problem. I hope this is clear to all of you. Okay, goodbye everyone.